नमस्कार, मेरा नाम लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और नए घोड़े की तैयारी। इस घोड़े पर घुड़सवार हैं गोलू और इस घोड़े के ओनर हैं मिस्टर नान बच्चा पांडे गोंडा जिले से। हम आपको बता दें कि घोड़े का नाम नीलकंठ है और घोड़ा आप देख रहे हैं कितनी अपनी खूबसूरत चालों से आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे चक्र समाप्त हो रहा है, घोड़ा अपने लय के साथ घुड़सवार के इशारों पर यूं ही एक शानदार चाल का नज़ारा दिखा रहा है। यही होती है घुड़सवारी और घोड़े से तालमेल। और आप ये चीज़ें बखूबी घुड़सवार गोलू और इस घोड़े के बीच में देख सकते हैं। घोड़ा कितनी सफाई से अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ाता हुआ चल रहा है और ये घोड़ा फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश की रेस में आया हुआ है। हम आपको बता दें कि ये घोड़ा नीलकंठ एक बार ब्रह्मपुर के मेले में भी पहुंचा था और वहां भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखा था, पर दुर्भाग्यवश वहां पर रेस हो नहीं पाई। अभी भी आप देख रहे हैं सवार गोलू के इशारों पर एक बार फिर से घोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको सवार गोलू की और इस घोड़े की तालमेल कैसी लगती है, क्या उम्मीदें हैं अगर इस घोड़े से सवार गोलू यहाँ पर प्रतिभागी के तौर पर इस रेस में उतरते हैं। हमें आप कमेंट बॉक्स में और भी फैज़ाबाद से रिलेटेड चीज़ों को रख सकते हैं। थोड़ा सा वक्त कम था इसीलिए इस बार वीडियो कम मिली, पर फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि आपको हर एक वीडियो पहुंचा दी जाए जो घोड़े प्रतिभागी हैं और यहाँ पर लड़ने वाले हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस बार फैज़ाबाद में नियम रेस के सख्त होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दांत और बड़े घोड़ों दोनों का दंगल है। और उसी को देखते हुए हम आपको ये भी बता दें कि इस बार जितनी भीड़ फैज़ाबाद रौनाई के मेले में घोड़ों की लगी है, इस बार से ज़्यादा शायद ही कभी होगी, क्योंकि इस बार कई जगह के घोड़े इकट्ठे हुए, खरीद बिक्री भी काफ़ी ज़्यादा हुई और दूर दूर से घोड़े भी यहाँ पर रेस में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। अब देखना ये है कि इस बार कितने घोड़े रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और कितना बैच बनता है। हर बार की तरह इस बार भी नियम सख्त है और वही चीज़ें इस रेस की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। उम्मीद है कि गोलू घुड़सवार का ये घोड़ा आपको पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि घुड़सवार गोलू और इस घोड़े की तालमेल आपको कितनी फिट लगती है। देखना है घुड़सवार गोलू जब कभी इस घोड़े से रेस फाइट करते हैं तो क्या ये चीज़ें अपनी रेस में उतार पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।